हम चैप्टर नंबर 20 कर रहे थे एरिया एंड पैरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर्स। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे हम क्या है हमारे पास। इसमें गिवन है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर वरांडा इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। कि एक रेक्टेंगुलर वरांडा है जिसमें आपका क्या गिवन किया है कि जो इसकी लेंथ है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर वरांडा इज 3 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो अगर आप इसकी लेंथ को x लेट करते हो तो आपको इसकी, अगर इसकी ब्रेथ को x लेट करते हो तो इसकी लेंथ को क्या लेट करना पड़ेगा आपको, x प्लस 3, क्योंकि लेंथ क्या है यहाँ पर 3 मीटर मोर है किससे, ब्रेथ से। तो अगर हमने x किसको लेट किया है, x मीटर किसको लेट किया है, इसकी ब्रेथ को, तो लेंथ को हम लेट करेंगे x प्लस 3 मीटर। एंड ये बोल रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पैरीमीटर, और जो इसका एरिया है वो इसके पैरीमीटर के इक्वल है। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वरांडा इक्वल्स टू पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर वरांडा, ठीक है, ये यहाँ पर आपको इक्वल गिवन किया है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और पैरीमीटर होता है 2l + b। तो अगर हम लेंथ की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं एक्स प्लस 3 एंड ब्रेथ यहाँ पर एक्स, ब्रेथ यहाँ पर एक्स, फिर 2 लेंथ की वैल्यू फिर पुट करते हैं हम एक्स प्लस 3 और ब्रेथ की वैल्यू एक्स, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2x और x 2x प्लस 3, एंड आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 2 × 4x प्लस 3 × 6। आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर 3, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा इधर आकर। तो देखो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करके यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी में ये आपसे क्वेश्चन भी कह रहा था कि टेकिंग एक्स एज द ब्रेथ ऑफ द वरांडा राइट एन इक्वेशन इन एक्स दैट रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट। तो अबव स्टेटमेंट को कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन हमारी अबव स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये कह रहा है कि इसको सोल्व करके आपको क्या करना है, सोल्व द इक्वेशन ऑब्टेन इन द अबव एंड हैंस फाइंड द डायमेंशन ऑफ द वरांडा, और आपको वेरेंडा के डायमेंशंस भी फाइंड करने हैं इसको सोल्व करके। तो अब इसको सोल्व करते हैं, देखो इसमें फिर फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे हम, 6 के फैक्टर माइनस करने पर क्या मिले आपको, 6 के फैक्टर माइनस करने पर 2 मिले। तो 6 के क्या फैक्टर होते हैं, 3 × 2, तो इसे हम 3 − 2 लिख सकते हैं, ये हमने फैक्टराइजेशन में सीखा था। तो अगर आपने फैक्टराइजेशन नहीं किया तो प्लीज़ आप फैक्टराइजेशन देखें, फैक्टराइजेशन चैप्टर आपका 4 या 5, 5th है शायद, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये इस माइनस साइन को अंदर एंटर कराएंगे तो माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस 2x और माइनस 6 = 0। अब यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा हमें x माइनस 3, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा ये x माइनस 3, एंड ये मिल जाएगा आपको x माइनस 3 एंड x प्लस 2 = 0। अब इसको करेंगे हम x माइनस 3 = 0 एंड x प्लस 2 = 0, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 एंड x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी -2। तो ये हो जाएगी x की वैल्यू = 3 एंड x की वैल्यू −2, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब देखो x की वैल्यू जो ब्रेथ होगी कभी भी नेगेटिव तो होगी नहीं, तो इसलिए हम नहीं लेंगे, तो इसलिए हम क्या लेंगे, ब्रेथ, ब्रेथ क्या लेंगे हम 3 मीटर, x लेट किया था हमने ब्रेथ को तो ब्रेथ लेंगे हम 3 मीटर। तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी x प्लस 3, तो इसमें 3 प्लस करोगे तो मिलेगा आपको 6 मीटर। तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी एंड ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी। तो ये करना था क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अब हम, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन किया है और इसमें कह रहा है कि आपको ये जो पाथ का एरिया है, जो शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया का आपको एरिया फाइंड करना है, शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो इसकी विड्थ दी है 15 एंड इसकी विड्थ दी है आपको 8। तो अगर हम इसको देखें तो ये भी एक रेक्टेंगल है हमारा, और इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ जो आपकी ये वाली लेंथ होगी तो ये 80 इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी 80। एंड अगर हम इस वाले रेक्टेंगल को देखें, इसमें ब्रेथ होगी 15 मीटर एंड लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी 45। तो हम इसमें नेमिंग कर देते हैं कि ए बी सी एंड डी, इसको हम ए बी सी डी रेक्टेंगल ऐड कर लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं हम ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, एंड
इस वाले को देखो आप, अगर आप इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर लेते हो और इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर लेते हो तो आपके पास ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है ये आपके पास टू टाइम्स आएगा, इसमें भी काउंट किया जाएगा इसमें भी, लेकिन आपको इसको वन टाइम काउंट करना है क्योंकि आपको इसका ही एरिया फाइंड करना है। ये जो आपको प्लस साइन दिख रहा है, ये प्लस जो आपको दिख रहा है, इसका एरिया फाइंड करना है सिर्फ आपको, तो इसको टू टाइम्स नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप के एरिया में से इस स्ट्रिप के एरिया को प्लस करेंगे, दोनों एरिया को प्लस करेंगे पहले हम, और फिर ये जो हमारा रेक्टेंगल मिल रहा है इसका एरिया माइनस कर देंगे। और ये जो रेक्टेंगल होगा हमारा क्या होगा, ये अगर हम इसे पी क्यू आर एस लेट कर लेते हैं तो इसकी देखो लेंथ कितनी हो जाएगी 15 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे ही करते हैं सिंपल। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा हमारे पास, शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी ले लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच ले लेते हैं, ई एफ जी एच, और ये एरिया हमारा टू टाइम्स आ रहा है पी क्यू आर एस वाला, तो हम क्या कर लेते हैं इसमें ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस को माइनस कर देना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ए बी सी डी अगर आप लोगे तो इसमें लेंथ कितनी लोगे आप, 80, इसमें लेंथ कितनी लेंगे हम 80 मीटर इंटू इसकी ब्रेथ कितनी गिवन है, इसकी ब्रेथ गिवन है 8, तो 8 लेंगे इसमें हम, प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच कितना लेंगे हम, इसमें एरिया ऑफ जी एच के लिए लेंथ कितनी लेंगे, लेंथ ये वाली लेंथ होगी हमारी 45 के इक्वल, तो इसमें 45 गिवन लेंगे, इंटू ब्रेथ कितनी होगी, इसकी ब्रेथ आपके पास है 15, तो इसकी विड्थ कितनी है आपकी 15, माइनस फिर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस अगर हम लेंगे तो इसमें लेंथ कितनी लेंगे 15 लेंथ है एंड जो इसकी विड्थ है वो कितना है 8 है, तो इसको आपको ले लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। 8 64 640 प्लस 45 इंटू 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 इंटू 15 करेंगे 15 4 600 और 15 5 75 तो आएगा 675 एंड 15 8 जा कितना होगा 120 होगा। अब आप इसको माइनस कर लोगे, यहाँ पर देखो 140 है प्लस, इसमें से इसे माइनस कर सकते हो पहले या फिर इन दोनों को ऐड कर सकते हो फिर माइनस कर सकते हो। तो पहले अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना मिलेगा हमें, अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो 5 में से ये 5, 7 में से 2 5 और ये 6 में से 1 5, तो मिल रहा है 5 5 5। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 5 और 5 4 9, 6 और 5 11, तो ये मिलेगा आपको 1195 मीटर स्क्वायर एरिया। ये हो जाएगा सिंपल आपको क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 13, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13, बोल रहा है कि द रेट फॉर अ 1.2 मीटर वाइड कारपेट इज 40 रुपीज पर मीटर, इसका जो रेट है वो 40 रुपीस पर मीटर है, अगर इसकी विड्थ हम कितने लेते हैं 1.25, तो अगर हम विड्थ ले रहे हैं 1.20 मीटर विड्थ का जो कॉस्ट है वो किसके अकॉर्डिंग है, 40 रुपीस पर मीटर के अकॉर्डिंग है। तो 1 मीटर विड्थ का अगर हम लेते हैं तो 1 मीटर विड्थ हो जाएगी और 1 मीटर ही लेंथ हो जाएगी, तो ये एरिया का आपका फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब एरिया का कॉस्ट आ जाएगा यहाँ पर ये, तो 40 डिवाइड बाय 1.20 कर लेंगे, इतने रुपीस लगते हैं 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर लेंथ के एरिया के, इतना प्राइस लगता है। तो मींस ये एरिया से हमने रिलेशन बना लिया, पहले सिर्फ यहाँ पर आपको लेंथ में रिलेशन दिया था, पहले बोल रहा था कि अगर 1.2 मीटर वाइड कारपेट है तब उसका कॉस्ट 40 रुपीस पर मीटर लगता है, लेकिन हमें चाहिए कि अगर उसकी विड्थ भी 1 मीटर हो और उसकी लेंथ भी 1 मीटर हो तब उसका कितना प्राइस लगेगा, तो तब इसका प्राइस होगा ये। और ये कह रहा है आपसे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग अ होल 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड, एक होल है आपके पास जिसका 45 मीटर लॉन्ग है वो और 32 मीटर वाइड है, तो एरिया ऑफ हॉल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ हॉल हो जाएगा यहाँ पर कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर हम करते हैं तो कितना होगा 45 इंटू 32, मल्टीप्लाई कर लोगे 45 इंटू 32 को तो कितना मिलेगा आपको, 45 32 को मिलेगा आपको ये 90 हो गया, ये 135 हो गया, तो ये मिलेगा आपको 441, तो ये मिलेगा 1440 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। तो कोस्ट आपको कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कोस्ट ऑफ कारपेट, ठीक है, फाइंड द कोस्ट ऑफ कवरिंग अ होल,
तो कॉस्ट ऑफ कवरिंग अ होल, और इस कॉस्ट इसको कवर करने का, इस होल को कवर करने का कितना कॉस्ट होगा, तो कॉस्ट ऑफ कवरिंग अ होल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कवरिंग अ होल, कॉस्ट ऑफ कवरिंग अ होल का कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी, देखो कितने रुपीज़ से है कि 40 डिवाइड बाय 1.20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इसका कितना प्राइस बनेगा, तो इसका कितना प्राइस बनेगा, आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि अब जो हमने प्राइस ये फाइंड किया है ये एरियाज को रिलेट कर रहा है, ये पर मीटर स्क्वायर एरिया को रिलेट कर रहा है, इतने रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर लगेगा आपका कॉस्ट। ओके तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 100 10 से इस 10 कैंसिल कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हो, 12 से 144 12 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है आपका, तो ये हो जाएगा 12 4 48 और ये 1020 ये 300 हो जाएंगी, तो कितना लगेगा, 48,000 रुपीज़ लगेगा आपको कारपेट लगाने का कॉस्ट होगा। ओके अब ये कह रहा है कि आगे ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द सेम होल, सेम होल को आपको कारपेट लगाना है, इफ द कारपेट इज 80 सेंटीमीटर वाइड इज 25 पर मीटर, अगर 80 सेंटीमीटर, इसमें सेकंड कंडीशन दी है कि अगर 80 सेंटीमीटर वाइड कारपेट है तो उसका कॉस्ट लगता है कितने रुपीस, 25 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है, पर मीटर लगता है, मींस उसकी लेंथ 1 मीटर होगी और उसका विड्थ इतना होगा, तो उसके 25 रुपीज़ लगेंगे, तो अगर उसका वन, अब इसको मीटर में चेंज करेंगे, अगर हम इसको मीटर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये मीटर में चेंज करेंगे तो, मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 80 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इतना मीटर में इसको कितना कॉस्ट लग रहा है, 25 रुपीज़ पर मीटर, तो 1 मीटर वाइड में अगर आपका क्लॉथ भी या फिर कारपेट भी 1 मीटर वाइड हो जाएगा तो कितना कॉस्ट लगेगा, ये लगेगा आपका 80, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो यहाँ पर, तो आ जाएगा आपके पास, इसको आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ पर, चलो इसको 250/8 रहने देते हो, तो इतना कॉस्ट लगेगा पर मीटर स्क्वायर का, पर मीटर स्क्वायर का, तो कॉस्ट ऑफ सेम होल, सेम होल को अगर आपको कारपेट लगाना है तो कितना कॉस्ट बैठेगा इसका, इसका कॉस्ट बैठ जाएगा आपका 250/8 × 1440, आप कैंसिल कर सकते हो, 8 से क्या ही कैंसिल हो रहा है, 8 1 8, यस कैंसिल हो रहा है, ये देखो 8 1 8 6 कैरी आएगा, 8 8 64, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 ये और 200 ये, तो कितना बैठेगा आपका 450, तो ये बैठेगा आपका 450 और 20 और लगेंगे, तो 45,000 टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपका कारपेट लगाने का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो बिल्कुल इसमें सिंपल जो आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है कि ये अगर आपको एरिया को और एरिया का कॉस्ट फाइंड करना है तो ये जो आपको प्राइस दिया है ना, ये प्राइस भी जो गिवन है हमारे पास, ये भी हमारा एरिया से ही रिलेट होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि 1.2 मीटर वाइड, अगर 1.2 मीटर वाइड कारपेट है तब उसके 40 रुपीज़ लगते हैं 1 मीटर लॉन्ग कारपेट के, अगर वो 1.2 मीटर वाइड होगा और 1 मीटर लॉन्ग होगा तब उसके 40 रुपीज़ लगते हैं, लेकिन हम एरिया से रिलेट करने के लिए क्या लेंगे, अगर क्या लेंगे हम विड्थ भी इसकी क्या लेंगे 1 मीटर लेंगे और लेंथ भी 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितना कॉस्ट लगेगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो इतना रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर लगेगा इसमें, तो होल का जो एरिया था वो हमारा इतना आ ही रहा है ये, तो ये हमारे पास टोटल एरिया हो गया, ये हमारे पास कॉस्ट हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ऐसी सेम कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज़ किया है। ओके तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 कर देते हैं अब हम, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर प्लॉट द लेंथ ऑफ हूज डायगोनल, उसके डायगोनल की लेंथ 15 सेंटीमीटर है, मीटर है, 15 मीटर गिवन किया है, तो आपको गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस में आपको आंसर गिवन करना है, इसमें इसका डायगोनल गिवन है स्क्वायर का, तो और आपको फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर करना है। ओके तो अगर आपके पास ये स्क्वायर है और ये हम मान लेते हैं इसका डायगोनल, और डायगोनल दोनों ही इक्वल होते हैं स्क्वायर में, स्क्वायर में दोनों ही डायगोनल इक्वल होते हैं, तो इसकी साइड क्या होगी, देखो अगर हम इसकी साइड ए ए ए लेट करते हैं तो इसमें क्या रिलेशन होता है, जो डायगोनल होता है वो किसके इक्वल होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है हमारा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अगर हम आपको 15 गिवन किया है उसका एरिया होता है ए रूट टू, ये ए रूट टू होता है, कैसे, आप इसको हमने रिलेट भी किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में
कि अगर ये है, ये ए है तो, और ये हाइपोटेनस है, यहाँ पर 90 है तो ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी, ये ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, हाइपोटेनस आ जाएगा 2a² तो a बाहर आ जाएगा, तो a रूट टू ये हो जाएगा सिंपल, तो ये a रूट टू हो जाएगा इक्वल्स टू 15, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15√2, ये हो जाएगी हमारे पास किसकी वैल्यू, साइड की वैल्यू, अगर ये साइड की वैल्यू होगी तो एरिया कितना होगा इसका, एरिया होता है a इंटू ए, साइड इंटू साइड, या फिर ए स्क्वायर भी कह सकते हो आप इसे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपल आपको क्या मिलेगा, ये 15 225 और √2 मिलेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 4.5, कितना मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। लेकिन पेरीमीटर अगर हम कहें इसमें, पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है इसमें 2l + b इसमें तो डायरेक्ट आपका क्या होता है 4a होता है, तो 4a आप यूज़ कर सकते हैं, 4 × कितना 15√2। अब इस रूट टू का क्या करें, देखो आप इस रूट टू से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, कैसे, 4 को 2 × 2 लिख सकते हो और ये रूट टू, फिर इस रूट टू को कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो सिंपल रेशनलाइज भी कर सकते हो आप इसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इस 2 को फिर ब्रेक कर सकते हो √2 × √2 में, √2 × √2 2 ही होगा, तो इस 2 को हमने ब्रेक किया 2√2 में, एक डिवाइड बाय √2, √2 से √2 कैंसिल, ये हम करके दिखा रहे हैं, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि क्या बचेगा, 2√2 × 15 मिलेगा आपको, 15 × 2 = 30 हो जाएगा, 30 × √2, रूट टू की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर क्या होती है, 1.414 होती है, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा 1.414 करेंगे किससे, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 = 12, 1 कैरी, 3 × 1 = 4, 3 × 3 = 4, और 3 × 4 = 12, 2 × 1 कैरी, 3 × 1 = 4, तो आ रहा है 4242। ये अगर आप यहाँ पर लगाते हो थर्ड प्लेस पर, ठीक है, वैसे तो पॉइंट आएगा यहाँ पर पीछे से 3 डिजिट्स के बाद, लेकिन 10 इसमें भी है तो ये आ जाएगा यहाँ पर 442.42। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने क्या किया है, यहाँ से पॉइंट हटा दिया है, यहाँ पर आपने पॉइंट हटाया, नीचे आएगा 1010 से 10 कैंसिल, लेकिन इसको आप इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना आंसर आया था, 4242, डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 42.42। ऐसे हमने किया है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर में सिर्फ मीटर होता है, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर। तो सिंपल है ये आपका क्वेश्चन 14 है, ये क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 14 था ये हमारा, तो क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे यहाँ पर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15 गिवन किया है कि द शेडेड रीजन ऑफ द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द लॉन इन द फॉर्म ऑफ हाउस, ऑन द 3 साइड्स ऑफ द लॉन देयर आर अ फ्लावर बेड हैविंग अ यूनिफॉर्म विड्थ। यहाँ पर आपको ये इस तरीके से हाउस गिवन किया है और इसमें एक लॉन है यहाँ पर, और इसके अराउंड क्या है यहाँ पर, 2 मीटर वाइड लॉन फ्लावर बेड है, 2 मीटर वाइड फ्लावर बेड है, ओके। तो अब आपको क्या करना है कि अगर इसकी लेंथ आपके पास 30 गिवन है और इसकी विड्थ आपके पास 12 मीटर गिवन है, तो आपको क्या बताना है इसमें, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द लॉन, लॉन का लेंथ और ब्रेथ, ये लॉन हो गया हमारा, तो लेंथ कितना होगा लॉन का, लेंथ हम लेट कर लेते हैं, देखो ये 30 है, 2 मीटर इधर से, 2 मीटर इधर से माइनस करेंगे तो कितना, 4 मीटर माइनस हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगी हमारी कितनी, लेंथ हो जाएगी हमारी 26 मीटर। अब ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी, देखो ब्रेथ में आप सिर्फ यहाँ से इधर से 2 माइनस करोगे तो टोटल 12 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 − 2 = 10 मीटर, तो ये लेंथ और ब्रेथ गिवन हो गई हमारी। फिर इसमें सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि हैंस और अदरवाइज फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, इस फ्लावर बेड का एरिया चाहिए सिर्फ आपको, तो आप क्या करोगे इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से, तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड के लिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ फ्लावर बेड के लिए आप क्या करोगे, फ्लावर बेड के एरिया के लिए आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इसको ले सकते हो, आप ए बी सी डी एंड इसको ले सकते हो पी क्यू आर एस, इसको माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा 30 × 12 लेंथ × ब्रेथ, माइनस ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 26 × 10
26 इंटू 10 कितना आ रहा है, ये 360, और इसमें से माइनस करोगे तो आ रहा है 260, तो ये कितना आ रहा है हमारा 100 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ फ्लावर बेड, सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन किया है कि ए फ्लोर विच मीजर्स 15 मीटर एंड 88 मीटर, सॉरी एक यहाँ पर क्या है हमारा फ्लोर है जो कितना मीजर्स है जिसका 15 मीटर एंड 8 मीटर वाइड है। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर टाइल्स लगानी है, यहाँ पर इसमें टाइल्स को लगाना है जिसके डायमेंशंस दिए हैं 50 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, तो कितनी टाइल्स लगेंगी इसमें ये बताना है आपको सिंपल। तो देखो टाइल्स को बताने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, एरिया ऑफ किसको, एरिया ऑफ या फिर नंबर ऑफ टाइल्स सिंपल लगाते हैं हम। नंबर ऑफ टाइल्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स इजिकल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ वन टाइल से, एरिया ऑफ वन टाइल के एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपल आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं एरिया ऑफ फ्लोर के लिए 15 इंटू क्या करोगे आप 8 करोगे, लेकिन देखो ये है आपके मीटर में गिवन किए डायमेंशन, जो ये है सेंटीमीटर में, तो बिल्कुल सेम आपके पास यूनिट होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे इसको अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1 × 100 से ऐसी सेम इसको 1 × 100 से मल्टीप्लाई, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों ये हो जाएंगे सेंटीमीटर में चेंज। अब एरिया ऑफ वन टाइल कितना हो जाएगा 50 कितना 25। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो सिंपल, कैसे सोल्व कर सकते हो देखो, 52 जा कर सकते हो आप इसको, 54 जा कर सकते हो सिंपल। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15 जा कितने होते हैं 120, और ये कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 96, मीन्स 960 टाइल्स हो जाएंगी। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएंगी, 960 टाइल्स हो जाएंगी, सिंपल करना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है इस होल एरिया को, कंप्लीट एरिया को, ये टोटल एरिया है उसमें से वन, अगर वन एरिया का डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे सिंपल। तो ये कह रहा है कि फर्दर इफ अ कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर सो दैट अ स्पेस ऑफ 1 मीटर एग्जिस्ट बिटवीन इट्स एजेस, अगर इस पर आपको क्या लगाना है, इस फ्लोर पर अगर आपको कारपेट लगाना है और उस कारपेट में क्या होना चाहिए 1 मीटर वो हर एजेस से छूट जाना चाहिए, मतलब गैप देना है आपको 1 मीटर, यहाँ पर गैप दे रखना है आपको 1 मीटर गैप रखना है, ठीक है 1 मीटर छोड़कर आपको कारपेट को लगाना है। तो कह रहा है कि वॉट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज लेफ्ट अनकवर्ड, तो फ्रैक्शन बताना है कि अनकवर्ड जो पार्ट है उसका किसका टोटल पार्ट से कितना एरिया होगा। तो ये हो गया 15 × 8। तो फ्रैक्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ लेफ्ट अनकवर्ड को हम किससे डिवाइड करेंगे, लेफ्ट अनकवर्ड को हम किससे डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर से, एरिया ऑफ ऑन फ्लोर से इसको डिवाइड कर दो सिंपल, एरिया ऑफ फ्लोर से इसको डिवाइड कर दो, तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। अब एरिया ऑफ लेफ्ट पार्ट कैसे निकालोगे, अगर ये 15 है 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से, तो इधर कितना बचेगी इसकी लेंथ 13 मीटर, यहाँ पर 8 है 1 इधर से 1 इधर से, तो कितना बचेगा ये 6 मीटर। तो ये अंदर वाला एरिया, तो बाहर वाले एरिया से अगर आप अंदर वाला एरिया माइनस कर देते हो तो एरिया ऑफ लेफ्ट पार्ट आ जाएगा, एरिया ऑफ लेफ्ट जो पार्ट है जिस पर हमने कारपेट नहीं लगाया वो पार्ट आ जाएगा हमारा। तो 15 × 9 = 8 ये एरिया हो गया बाहर वाले मतलब फ्लोर का एरिया, माइनस अंदर वाले इंटीरियर जिस पर कारपेट लगाया उसका एरिया कितना हो जाएगा 13 × 6, और डिवाइड बाय कर लो इसको 15 × 8, ये टोटल एरिया हो गया। 15 × 8 करोगे 120 आएगा, माइनस 13 × 6 करोगे 78 आएगा, डिवाइड बाय 15 × 8 120 आएगा, इन दोनों को माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है 10 में से 2, ये 42/120, आप इसको डिवाइड कर सकते हो 6 से 6 7 जा और 6 2 जा, तो 7/20 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो सिंपल ऐसे करना है आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं अब हम। 17 में है कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है आपके पास और उसकी टू एडजेसेंट साइड आपको गिवन की है, कितनी गिवन की है ये आपको 24 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर है एंड ये 24 सेंटीमीटर में गिवन किए हैं ये आपको। अब क्या कह रहा है ये,
कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स इज, अगर लॉन्गर साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, लॉन्गर साइड ये है, इसके बीच में जो डिस्टेंस, डिस्टेंस जब अगर कहेगा ना हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेगा, तो इसको हम हाइट लेंगे। और हमने ये पहले ही डिस्कस किया था, एरिया ऑफ पैरोग्राम किसके इक्वल होता है, बेस इनटू हाइट के इक्वल होता है। ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, तो आपको शॉर्टर साइड्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर आपके पास लॉन्गर साइड के बिटवीन क्या दिया है, डिस्टेंस गिवन किया है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या ले सकते हैं, एरिया ऑफ पैरोग्राम, सॉरी एरिया ऑफ पैरोग्राम हम क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैरोग्राम, अगर हम इसको ए बी सी डी ले लेते हैं, ए बी सी डी ले लेते हैं, और ये साइड ले लेते हैं हम ए ई, और ये ले लेते हैं ए एफ। तो अगर हम एरिया ऑफ पैरोग्राम ए बी सी डी फाइंड कर रहे हैं, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। अब कौन सा बेस और कौन सी हाइट लेंगे, बेस लेंगे 24 और ये हाइट लेंगे ये, देखो ये 24 है तो ये भी तो 24 होगा, तो आप इसको भी ले सकते हो, आप कह सकते हो कि यहाँ इधर इधर परपेंडिकुलर है अगर ये, तो आप ये वाला बेस ले सकते हो, ये हाइट ले सकते हो। तो यहाँ पर बेस लेंगे हम 24 एंड हाइट लेंगे हम 12, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैरोग्राम ए बी सी डी। और देखो एरिया ऑफ पैरोग्राम ए बी सी डी आप ऑल्सो फाइंड कर सकते हो किससे, बेस बी सी, बेस बी सी इंटू हाइट ए एफ से, ये भी तो इसके बेस और हाइट होंगे, तो यस ये भी इसके बेस और हाइट होंगे। इसमें हमारे देखो बी सी की वैल्यू क्या होगी, जो ए डी की वैल्यू होगी 18 होगी ये वाली वैल्यू, इंटू ए एफ आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 24 इंटू 12, अब आप इस 18 को इधर लेके आ जाओगे डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा ये 18 को अगर आप डिवाइड में लेके आते हो, तो 6 से कैंसिल कर सकते हो, 6 फोर जा और 6 थ्री जा, 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 फोर जा, तो ए एफ इसकी जो शोल्डर साइड्स के बिटवीन डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर 17 में, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरोग्राम आर 28 सेंटीमीटर एंड 26। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन गिवन किया है आपको कि टू एडजेसेंट साइड्स है पैरोग्राम की, जिसके आपके पास दो एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन किए हैं, कितनी 26 सेंटीमीटर गिवन की है एंड 28 सेंटीमीटर गिवन की है आपको। एंड इफ वन डायगोनल ऑफ इट, अगर इसका डायगोनल आपका कितने है, इसका एक डायगोनल आपके पास है 30 सेंटीमीटर, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड द एरिया ऑफ पैरोग्राम, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ पैरोग्राम फाइंड करना है। अब देखो एरिया ऑफ पैरोग्राम फाइंड करने के लिए आप इसमें क्या यूज़ करोगे, अब इसमें हम हाफ बेस इनटू हाइट यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं बेस इनटू हाइट, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट गिवन नहीं है, ना ही इस साइड के अलोंग, ना ही इस साइड के अलोंग, और ना ही इस साइड के अलोंग आपको परपेंडिकुलर साइड मतलब हाइट गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वाली साइड गिवन की है, अब ये 28 है तो ये भी 28 होगा, ये था 26 है तो ये भी 26 होगा, तो आप सिंपल इसका एरिया फाइंड कर सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला से। तो हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले एस निकालते हैं, एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का मीन्स क्या होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड कर देते हैं, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर के लिए सम ऑफ ऑल साइड कर देते हैं। मान लेते हैं ये हमारी ए साइड है, ये हमारी बी साइड है, ये हमारी सी साइड है। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी फाइंड कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में हम, तो इसको सेमी पेरीमीटर के लिए हमें पेरीमीटर फाइंड करना पहले ट्राइंगल को, और उसको टू से डिवाइड कर देना, ये सेमी पेरीमीटर होता है। इनको प्लस करो 50, 70, 80 और 84, ये 84 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 42, ये सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा। अब एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल ए बी डी चाहिए आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी चाहिए, तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल। तो अब इसका एरिया फाइंड करेंगे हम, कितना हो जाएगा ये एस, एस की वैल्यू 42 इंटू एस 42 माइनस 26, फिर 42 माइनस 28 एंड अगेन 42 माइनस 30, ये है हमारे पास एंड 42 हो गया, 26 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 12 में 6 116 आ रहा है, ये 16 आ रहा है हमारा, फिर इन इनटू करेंगे हम इसको 28 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 12 में से 8 4 और ये 114 आ रहा है एंड ये कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ये 12 भी बना रहा है। अब इसके फैक्टर कर सकते हो आप, अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हम इसे 14 के फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको सिंपलेस्ट फैक्टर में ब्रेक करके भी आप इनके पेयरिंग ले सकते हो, तो आप लेकिन यहाँ पर देखो 14 है, आप इसे भी 14 के उस ब्रेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो इसे 14 3 जा कर सकते हो आप इसे 14 3 जा 16 को आप 4 × 4 लिख सकते हो। ये 14 का पेयर बन ही गया हमारा, ठीक है, ये 4 का पेयर बन गया। यहाँ पर इसको क्या ले सकते हो 3 × 4, तो अब यहाँ पर हमारा 3 का पेयर बन गया, तो ये कितना हो जाएगा 14 × ये 4 ये 3 एंड इस 4 का 2। अब इसको कर लो आप मल्टीप्लाई, कितना आएगा 4 × 4 = 16 = 156, 3 × 2 = 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 = 36, 3 × 5 = 30 और 3 × 33। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, और अगर आप इसका डबल कर देते हो तो एरिया ऑफ पैरोग्राम मिल जाएगा आपको, एरिया ऑफ पैरोग्राम मिल जाएगा यहाँ पर हमें। इसका हम डबल कर देते हैं तो एरिया ऑफ पैरोग्राम ABCD हमारा कितना हो जाएगा, डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ये कितना हो रहा है हमारा 2 × 6 = 12, 1 × 2 = 3 = 6 और 1 × 7 और 2 × 3 = 6, 672 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये कह रहा है कि लेंथ भी फाइंड करनी है आपको, किसके अलोंग फाइंड द, ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड्स के बिटवीन आपको डिस्टेंस भी फाइंड करनी है इसमें। तो शॉर्टर साइड के बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या लगाएंगे फिर इसमें हम हाफ बेस इंटू हाइट यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें बेस इंटू हाइट, तो बेस BC ले लेते हैं हम, और हाइट इसमें ले लेते हैं हम कितनी, AE, ये इसकी हाइट ले लेते हैं हम AE, तो ये हमारी शॉर्टर साइड्स के बिटवीन क्या हो जाएगी। तो अगर हम इसमें BC साइड ले रहे हैं तो BC कितना है यहाँ पर 26 है शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड्स के बिटवीन आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 672 इधर भी 672 पुट कर लेंगे तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AE हो जाएगा हमारा 672 / 26, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12 और ये आ गया हमारा 13 × 1 = 13, 13 से क्या ये कैंसिल हो रहा है, 13 से ये कैंसिल हो रहा है क्या, 13 से देखते हैं इसको कैंसिल करके, 3 × 3 = 6, 13 × 2 = 26 माइनस करेंगे, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, तो यहाँ पर कितना बचा 6, 13 के टेबल में 676 तो नहीं आता। अब इसको कर लेंगे 13 × 5 = कितने हो जाएंगे 65, 13 × 5 = 65, ये 1 पॉइंट लगाएंगे तो फिर 0 समथिंग वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 8 टाइम्स में करेंगे अगर हम, कितना आ रहा है 104 आ रहा है 8 टाइम्स में। ओके, तो ये 25 point something इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो ये 25.8 something इसकी वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर में। तो ये करना है क्वेश्चन नंबर 18 में, ये क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम 19 को करते हैं, यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 216 square centimeter, एरिया ऑफ रोम्बस आपको गिवन किया है, कह रहा है कि इफ़ इट्स 1 diagonal is 24 centimeter, अगर इसका 1 diagonal 24 centimeter तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। एरिया ऑफ, अगर आपको रोम्बस गिवन किया है, एरिया ऑफ रोम्बस गिवन किया है ये, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ डी वन इंटू डी टू क्या है यहाँ पर डायगोनल्स, तो यहाँ पर हाफ डी वन की वैल्यू, एक आपको डी वन गिवन किया 24, तो डी टू आपको फाइंड करना है, तो सिंपल आप डी टू फाइंड कर सकते हो, इसको यहाँ पर 12 से कैंसिल कर लो, 12 से इसको कैंसिल कर लोगे आप डी टू आ जाएगा, तो 12 से कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 12 × 1 = 12, कितना बचा 9 × 12 = 96, तो 18 आ गया डी टू, डी टू की वैल्यू 18 centimeter आ जाएगी हमारी। अब हम क्या करेंगे इसमें, लेंथ ऑफ इट्स अदर डायगोनल हो गया, लेंथ ऑफ इट्स साइड, साइड्स की लेंथ फाइंड करने के लिए फिर हमने फॉर्मूला किया था कि ए साइड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, रूट में डी वन अपॉन टू होल स्क्वायर प्लस डी टू अपॉन टू होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हमने ड्राइव किया था, सिंपल है ये भी, अगर आपके पास ये रोम्बस है, ये आपके पास अगर रोम्बस है और ये डायगोनल्स हैं, ये मान लेते हैं D1 डायगोनल्स है, ये D2 डायगोनल्स है, और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर ये D1 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, अगर हम इसको O मान रहे हैं, इसको A भी मान रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा D1 upon 2 और ये हो जाएगा D2 upon 2, तो ये D1 और D1 upon 2, ये देखो क्या है हाइपोटेनस साइड है, तो ये AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB का स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल, D1 upon 2 के स्क्वायर प्लस D2 upon 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो AB हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, अंडर रूट D1 upon
टू होल स्क्वायर प्लस डी टू अपॉन टू होल स्क्वायर ये करना है आपको। तो यहाँ पर भी आप ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में रख रहे हैं डी वन की वैल्यू 24 है डिवाइड बाय टू होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस डी टू की वैल्यू 18 है डिवाइड बाय टू होल स्क्वायर कर देंगे, तो ए कितना हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा ये 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, और 12 स्क्वायर और 9 स्क्वायर की वैल्यू करेंगे अगर हम तो कितनी आती है 144 और 81, इनको प्लस करोगे तो आप कितना आएगा, ये आ रहा है 5 2 2 2 5, और ये किसका स्क्वायर रूट है 15 का स्क्वायर रूट है, तो 15 सेंटीमीटर ए की वैल्यू जाएगी, साइड आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। सिंपल है 19 क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द रोमबस, रोमबस का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर 4a होगा सम ऑफ ऑल साइड, और एक साइड कितनी आई है हमारी 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, तो ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, 20 में है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रोमबस, रोमबस का पेरीमीटर गिवन क्या है 52, एंड कह रहा है इफ वन डायगोनल, एक डायगोनल भी गिवन किया है इसने, वन डायगोनल गिवन किया है 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल करेंगे अगर हम, तो पेरीमीटर होता है 4a के इक्वल इक्वल्स टू 52, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52 को 4 से डिवाइड कर दो, 52 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 1 4 4 3 12, तो ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर a की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको d2 निकालना है, तो साइड और d1 d2 में क्या रिलेशन होता है, साइड और d1 d2 में क्या रिलेशन होता है हमारा, साइड और d1 d2 में रिलेशन होता है a इक्वल्स टू होता है d1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस d2 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये होता है सिंपल रिलेशन। अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर लेंगे हम, यहाँ पर 13 हो जाएगा इक्वल्स टू, ये क्या करेंगे हम d1 कितना है हमारा 24 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस d2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यहाँ पर d2 का स्क्वायर है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो यहाँ 13 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस d1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा, एंड ये इधर आकर 144 हो जाएगा इक्वल्स टू डी वन अपॉन और डी टू अपॉन टू होल स्क्वायर, इसको माइनस कर रहे हैं तो 25 आ रहा है। अब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आएगा ये डी टू अपॉन टू, तो डी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 है हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा डी टू की वैल्यू 10, डी टू की वैल्यू 10 आ गई हमारी, 10 सेंटीमीटर कह सकते हो आप इसको, 10 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं इसको। अब आपको क्या फाइंड करना है, देखो फिर आपको फाइंड करना है इसमें एरिया, इसका डायगोनल आ गया आपका तो फिर इसका एरिया, तो बिल्कुल सिंपल है, तो एरिया ऑफ रोमबस क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ रोमबस होता है हाफ डी वन इंटू डी टू, तो डी वन अपॉन डी टू कर देंगे, हाफ डी वन की वैल्यू इसने गिवन की थी 24, तो यहाँ पर 24, डी टू की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 10, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 12 ही आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रोमबस, सिंपल क्वेश्चन हो गया ये हमारा 20। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 21, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन किया है कि पेरीमीटर ओवर रोमबस, रोमबस का पेरीमीटर गिवन किया है 46, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है 4a इक्वल्स टू 46, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पर 4 वन जा 4 फिर 4 वन जा 4 फिर 2 4 5 जा 20, ये कितना आ गया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ पर भी हमें सेंटीमीटर में गिवन किया था। इफ़ द हाइट ऑफ द रोमबस, रोमबस की अगर आपको हाइट गिवन की है, अगर आपको रोमबस की हाइट गिवन की है कितनी, ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, अगर रोमबस की हाइट हमको 8 सेंटीमीटर गिवन की है तो एरिया ऑफ रोमबस आप ऑल्सो फाइंड कर सकते हो, एरिया ऑफ किसके फॉर्मूले से, जैसे हम एरिया ऑफ पैरोग्राम फाइंड करते हैं तो एरिया ऑफ रोमबस भी आपका हो जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ रोमबस हो जाएगा हमारा कितना, बेस इंटू हाइट से, तो इसे आप बेस इंटू हाइट से भी फाइंड कर सकते हो कि अगर हमारे पास ये रोमबस है, इसकी ये साइड है हमारी 11.5 और हाइट आप इधर से लो आप या फिर इधर से लो आप, दोनों में सेम ही आएगी दोनों कंडीशन में, तो ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो आप क्या कर सकते हो एरिया फाइंड कर सकते हो बेस इंटू हाइट से, 115 इंटू हाइट कितनी 8, अब इसको सोल्व करेंगे तो 85 का 40 का 0 4 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 का 2 1 कैरी 8 और 9 92.0 या फिर कह सकते हो नॉर्मली आप 92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21, सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, देखो यहाँ पर आपको फिगर दिया है और यहाँ पर कुछ वैल्यूज दिए हैं आपको इस तरीके से,
आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ फिगर आपको बताना है कितना होगा, तो हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, हम इस एरिया को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आप इसको इस यहाँ पर भी ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसको अगर हमारे पास ई डी एफ, इसको मान लेते हैं पॉइंट एम। अब हम देखेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास और ये एक ट्रेपेजियम है, क्यों? क्योंकि ये वाली 90 है, दोनों नॉन पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड की बनूंगी हमारी, ओके। तो इन दोनों को आप एरिया प्लस कर लोगे, तो एरिया ऑफ फिगर के लिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ क्या करोगे, ए एम ई एफ, ए एम ई एफ प्लस एरिया ऑफ क्या करेंगे हम, एम डी सी बी या बी सी डी एम, बी सी डी एम इसको लिख लेंगे। अब देखो ये तो एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी 1.2 गिवन की है, एंड हाइट और ब्रेथ विड्थ कितनी है 0.3 गिवन की है, प्लस अब ये जो हमारे पास बी सी डी एम है, ये एक ट्रेपेजियम है जिसकी दो पैरेलल साइड ये हैं और ये इसकी हाइट है, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड लेंगे तो 0.6 और 1. देखो ये 0.3 है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 1.8 है, तो ये हो जाएगा 1.5, तो ये हमारा हो जाएगा 1.5। तो हम क्या करेंगे, 1.5 प्लस 0.6 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट हमारी ये होगी हाइट 1.2 और 0.8 ये हो जाएगी 2। तो यहाँ पर अब आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आएगा 36.0.36 प्लस, इसको प्लस करोगे तो कितना आ रहा है 2.1 आ रहा है समथिंग। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हो आप तो कितना मिलेगा आपको 642, तो ये आएगा 2.46 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा हमारा इस फिगर का जो एरिया होगा, ओके। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो अगर आपको अभी हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे लेके आएंगे आपके लिए, तो अभी हम इतना रखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।